Subscribe and press the bell icon and never miss an episode from Clipper 28. आज लायंस क्लब रायपुर फ्रेंड्स और मधुधारा महिला संगठन, पूज्य सिविल लाइन सिंधी पंचायत, झूलेलाल नवयुवक संघ और केयरिंग हेड्स संस्थानों की तरफ से हम सभी ने ये सोचा कि इस देश को जो इतना बड़ा आघात हुआ है, इसके लिए किसी तरह से पूर्ति तो नहीं कर सकते हैं। पूरा देश आज इस शोक में डूबा हुआ है। देश का हर बच्चे से लेकर हर बुज़ुर्ग तक, हर वर्ग के लोग, महिला और पुरुष, सभी शोक संतप्त हैं और सभी ये सोच में है कि इसकी पूर्ति किस तरह से की जाए। इतने हमारे जवान जिन्होंने अपनी जान आज कुर्बानी दी और हम लोगों के पीछे, हम लोगों की सुरक्षा में, अपने परिवारों में, अपने उनके परिवारों ने उनको खोया, तो हम सभी अपना रोज़ की दिनचर्या से थोड़ा सा वक्त निकाल के आज उनके परिवारों के साथ हैं। हम तन मन धन से, हम ये चारों संस्थाएं उनकी इस श्रद्धांजलि में सब कंधे से कंधा मिला के हम लोग साथ में खड़े हुए हैं। और मैं यही बोलना चाहूँगा इस वक्त पे कि यदि इस तरह की घटना हमारे परिवारों में हो, खुद के, स्वयं के, तो सोचिए कितनी बड़ी बात होती है। उसी बात को मानते हुए, उसी बात को महसूस करते हुए हमें जो है इनके सब परिवारों के साथ रहना चाहिए और इन परिवारों को भगवान शक्ति दे। ये मैं केयरिंग हैंड्स फाउंडेशन रायपुर, झूलेलाल संगठन रायपुर और मधुधारा महिला संगठन और लायंस क्लब फ्रेंड्स रायपुर से बोलते हुए कह रहा हूँ कि ये जो आघात हुआ है और जो हमारे जवान देश के शहीद हुए हैं इतने बड़े टेररिज्म अटैक पे, ये बहुत ही दुखद घटना है एक रायपुर देश के लिए। और इस पे मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी बहुत जल्दी कोई अच्छा एक्शन ले और उन जवानों के परिवार वालों को जितना सहयोग हो सके करें। और हम अपने तरफ से एक श्रद्धांजलि अप्रूव कर रहे हैं और अपने दिनचर्या से समय निकालते हुए और उनको अपने परिवार जैसा समझते हुए अपनी तरफ से पूरा पूरा सहयोग देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रदेशवासियों से, देशवासियों से सबसे अपील करूंगा, एक कदम आगे बढ़ाएं, सब साथ आएं और सब मिलजुल के इस दुखद घटना में साथ दें। धन्यवाद। बहुत ही दुख का विषय है आज जो ये हमारे देश में हुआ है। ये अगर हमारे किसी घर परिवार में तकलीफ होती तो आज हमारा क्या हाल होता। भारत सरकार को कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आज जो हुआ है वो फिर कभी ना हो और मैं उनके परिवारों को
परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा दुख की घड़ी में आकर उनका सपोर्ट करें और हम सब मिल करके, ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते तो कम से कम हम सब संस्थाएं मिल करके एक कैंडल जला के और उन्हें हम श्रद्धांजलि दें। और फिर से मैं भारत सरकार के लिए ये संदेश भेजूंगी कि कड़े से कड़ा कदम उठाएं ताकि ये घटना फिर हमारे देश में कभी ना हो। अध्यक्ष मधुधारा महिला संगठन, मधु बहादुर सिंह। ये जो घटना हुई है उसके लिए मैं झूलेलाल अभिव्यक्ति संघ की तरफ से शोक प्रतीत करता हूँ। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.